आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, रबड़ी का, चीज का, गुड़ का, मिक्स वेज का, टमाटर का। 149 साल पुरानी दुकान है। 149 ईयर्स ओल्ड। 149 मतलब सारा खाना हम यहाँ पे देसी घी में बनाते हैं। 25 तरीके के पराठे बनाए जाते हैं यहाँ। ये देखिए प्योर एकदम लस्सी बनाई जाती है। जगजीवन राम, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर और बड़े बड़े नेता अभिनेता यहाँ पर आते हैं, पराठे खाते हैं। देसी घी गाय का है। अच्छा, ये पराठे बन रहे हैं। ड्राई फ्रूट का पराठा, कुटे बादाम का पराठा, पापड़ का पराठा, पनीर का पराठा, मतलब इतने सारे पराठे हैं। साहब जो बताया वो सब मिलेंगे यहाँ। हो गया, गोभी हो गया, ये मूली हो गया, ये दाल हो गया, ये गाजर हो गया, ये पनीर हो गया। अच्छा, ये हो गया आपको ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, लो काजू। और ये पापड़ का भी बनता है। पापड़ का भी बनता है। टेस्ट वाइज तो A1 है यार। A1 है ना? नहीं, वो तो उसकी तो अलग फीलिंग है, मम्मी के पराठे के तो अलग है। अच्छा, तो ये अच्छा से यहाँ पे बेल लिया गया। ये पूरा मलाई का रहता है ना? मलाई है एकदम लच्छेदार। ये रहा मलाई का पूरा एकदम। हेलो जी, वेलकम टू अदर फूड ब्लॉग और हंगरी थिंग फिर से आज आपका वेलकम है। हम लोग आ चुके हैं फिर से वही पुरानी वाली दिल्ली, और पुरानी दिल्ली का फेमस जगह चांदनी चौक के पास आ चुके हैं। और अभी हम लोग जाने वाले कहाँ? अभी हम लोग जाने वाले भाई पराठा खाने। भाई क्या लाजवाब पराठा है वहाँ पे। वहाँ जाते हैं, वहाँ का पराठा टेस्ट करते हैं, खासकर वो पराठा ना जो कि वहाँ का फेमस है। और वो पराठा खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे। हम लोग भी आ चुके हैं पराठे वाली गली के पास। आप देख सकते हो कितना क्राउड है, चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं और कुछ ना कुछ खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आप शॉपिंग करने आते हो तो कहाँ पे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो भीड़ भी वैसी है। चलो ज़्यादा देर नहीं करते, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के डायरेक्ट वहाँ पर दिखाते हैं क्या पराठा है यार। और इंतज़ार करो थोड़ा सा और चलो वहाँ पर चलते हैं। और आइए अंकल जी से बात करते हैं पहले, और उनसे बात करके आपको मिलवाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। तो पहले अंकल जी नमस्ते। तो ये बताओ कि अंकल जी ये पराठे वाली गली में आपका दुकान जो है इतना फेमस क्यों है? मतलब एक्चुअली क्या है, ये दुकान एक सबसे पुरानी दुकान है गली में। 149 साल पुरानी दुकान है। 149 ईयर्स ओल्ड। 149 मतलब सारा खाना हम यहाँ पे देसी घी में बनाते हैं। प्योर देसी घी, शुद्ध देसी घी गाय का। 3 सब्जी मिलती है पराठे के साथ, बिना प्याज लहसुन का खाना है। शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणों का भोजनालय। 25 तरीके के पराठे बनाए जाते हैं यहाँ, 3 सब्जियों के साथ और 2 चटनी, पुदीने की चटनी और मिक्स अचार। अच्छा, छोले, पंपकिन, कद्दू कहते हैं जिसे, सीताफल, आलू मेथी की सूखी सब्जी और पराठे के साथ दिया जाता है ये सब्जी। मतलब यहाँ पे आने के बाद ऑप्शन बहुत सारा है, बस आपको उसमें डिसाइड करना कौन सा। 25 तरीके के पराठे हैं जिसमें कि आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, रबड़ी का, चीज का, गुड़ का, मिक्स वेज का, टमाटर का। ये हमारा बन रहा है एक पापड़ का पराठा। पापड़ इसमें डाल दिया गया पूरा अच्छे से, फिर इसको एकदम अच्छे से गोल गोल एकदम बेल लिया जाता है। देखिए पापड़ का पराठा बन भी गया। वाह, कुर्चन का बन रहा है, इसका मलाई होता है पूरा मलाई। हाँ, तो ये अच्छा से यहाँ पे बेल लिया गया। ये पूरा मलाई का रहता है ना? मलाई है एकदम लच्छेदार। ये रहा मलाई का पूरा एकदम बना लिया गया है। वो पनीर चीज हो। वाह, और एक बार आप खाएंगे मिक्स वेज पराठा, पनीर चीज पराठा। यहाँ के जो सबसे फेवरेट, जो सबसे ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं वो पराठे बताओ आप। खाओ पनीर चीज़ पराठा, इस टाइम बहुत रनिंग ऑर्डर चल रहा है पनीर चीज़ पराठा। हाँ जी। और अंकल जी इधर मैं देख रहा हूँ, इधर एकदम दही है, ये लस्सी बनाई जाती है। अच्छा, लस्सी। हाँ, ये देखिए प्योर एकदम लस्सी बनाई जाती है सामने, एकदम फ्रेश लस्सी, बिल्कुल फ्रेश। ये रही लस्सी यहाँ पे। और ये कैसे गिलास है अंकल जी, कितने का गिलास है? 70 रुपीज और 40 रुपीज। 70 और 40, दो छोटा और बड़ा गिलास है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप लस्सी भी पी सकते हैं आराम से। लस्सी पी सकते, पराठे के साथ खाने वाली चीजें लस्सी हो गई, दही हो गई, रबड़ी हो गई, खाते हैं लोग बाग। अरे आप भी खाओ, बड़े बड़े नेता अभिनेता। आइए दिखाता हूँ आपको, देखो पीछे बाबू जगजीवन राम, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर और बड़े बड़े नेता अभिनेता यहाँ पर आते हैं, पराठे खाते हैं। शीला दीक्षित, इतने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये क्राउड यहाँ पे रहता है चारों तरफ खाने पीने का। और इधर रेगुलर कंटिन्यू पराठा यहाँ पे बनते रहता है। और ये अंकल जी एक बार लोकेशन प्रॉपर बता देना, कैसे आना होगा, किधर से आना होगा? 36 गली पराठे वाली, चांदनी चौक, दिल्ली 6, नियर गुरुद्वारा शीशगंज। अच्छा, वहाँ पे आइए और वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो देसी घी गाय का है। अच्छा, पराठे बन रहे हैं, ड्राई फ्रूट का पराठा, कुटे बादाम का पराठा, पापड़ का पराठा, पनीर का पराठा, मतलब इतने सारे पराठे आलू का साहब जो बताया वो सब मिलेंगे यहाँ। चीज का पराठा बनाया जा रहा है जो बताया था मैंने, ये चीज का पराठा बन रहा है पनीर। तो पहले आराम से इसका मतलब कि वो प्रॉपर आटे पे जो यंग जनरेशन है वो चीज का पराठा बहुत इस टाइम लाइक कर रही है। अच्छा अच्छा, ये बहुत रनिंग में ऑर्डर आता है। ये पनीर डाला और नीचे मोजरेला है अमूल का। अच्छा, मोजरेला अमूल का। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे पराठा रेगुलर कंटिन्यू बनता रहता है। पराठा आलू का है, गोभी का है, मूली का है, पनीर का है, पापड़ का है, मटर है, मिक्स है, हो गया। अच्छा। गोभी हो गया। अच्छा। ये मूली हो गया। अच्छा। ये दाल हो गया। ओके। ये गाजर हो गया। ओके। ये पनीर हो गया। अच्छा अच्छा। ये हो गया आपको ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, चिलो, काजू काजू और ये पापड़ का भी बनता है, पापड़ का भी बनता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कंटिन्यू आप रस देख सकते हो, चारों तरफ ऐसी भीड़ रहता है यहाँ पे और यहाँ पे आपका बनते रहता है और यहाँ पे बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट चारों तरफ है। अभी किसका बन रहा है अंकल? अभी चिली चीज। चिली चीज, तो चलो भाई चिली चीज का बन रहा है वो देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यू वहाँ से बनते गया, पूरा देसी घी में बन रहा है और यहाँ पे आपका ये देखो ये चीज़ पराठा बन रहा है ना, चिली चीज है, चिली चीज बन रहा है। ओ भाई देख लो एकदम इतने सारे चिल्ली। चलो इसको अच्छे से एकदम साइड से एकदम इसको पैक कर दिया जाता है। ये भी बनाने का तरीका एक होना चाहिए ना, तो वो सारा तो पूरा निकल जाएगा वो। हाँ, थोड़ा सा खुला रहेगा निकल जाएगा ये। बस हो गया और ये जाएगा घी में। अब ये देखो भाई ये इधर आप गया आगे आपका एकदम घी में, ये देखो यहाँ पे घी में एकदम प्योर घी में छनना स्टार्ट हो गया है और भीड़ चारों तरफ है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करता। अंकल ये पापड़ का बनने वाला है ना? पापड़ के रख देता हूँ पहले, अगर जब ऑर्डर आएगा तो बनेगा। अच्छा, ऑर्डर आता है तो बनते रहता है। तो ये देखिए यहाँ से आया और यहाँ पे बन गया। ये हमारा जो है चिल्ली चीज़ पराठा प्रॉपर। ये वाह वाह। मैं तो यहाँ यार दस किलोमीटर से आया हूँ। 10 किलोमीटर। पराठा रेगुलर खाते हो या कभी कभी आना यहाँ रहता है? नहीं, कभी कभी आता, कभी कभी। और अभी कौन सा पराठा आप टेस्ट कर रहे हो? अभी चीज़ पराठा है। चीज़ पराठा। उससे पहले आलू प्याज किया, उससे पहले मिक्स पराठा किया है। अच्छा, मतलब कि कंटिन्यूअस आप 3-4 पराठे अभी तक खा चुके हो? अरे 4। अरे पेट नहीं भर रहा है। चलो भाई, मतलब और ये मतलब टेस्ट वाइज कैसा लग रहा है आपको ये बताओ? टेस्ट वाइज तो A1 है यार। A1 है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट में कोई कमी? टेस्ट में कोई कमी नहीं है, कुरकुरे है, बाकी सही है। इसकी चटनी है ये और छोले, ये भी काफी टेस्टी है। अच्छा, टेस्टी लग रहा है। मतलब घर का पराठा भी याद नहीं आने वाला आपको? नहीं, वो तो उसकी तो अलग फीलिंग है, मम्मी के पराठे के तो अलग है। अच्छा, लेकिन यहाँ पराठे वाली गली में आके पराठे खाने का ये अलग मजा है। ये इंडिया में कहीं और नहीं मिलने वाला है, ये यही मिलेगा। नहीं नहीं, कहीं और नहीं मिलेगा। चलो आप इंजॉय करो, आप अपना पराठा इंजॉय करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ ना लोग यहाँ पे अपना इंजॉय करे पराठा। हम लोग भी थोड़ी देर में इंजॉय करेंगे, बट एक बार हम इधर सब्जी की ओर आते हैं। मैं एक बार बताना यहाँ पे सब्जी कौन कौन सा यूज किया जाता है? चटनी है केले का। केले का चटनी। ये पुदीने का चटनी है हरी। अच्छा, हरी पुदीने की चटनी। अच्छा, और ये सब्जी कौन कौन सी है? आलू मेथी है, सूखा आलू। सूखा आलू और मेथी का है। अच्छा, ये आलू छोले है। आलू छोले की सब्जी है। अच्छा जी, और नेक्स्ट क्या है? कदीमा जिसको बोलते हैं। अच्छा, कद्दू की है। और ये अचार मिक्स मूली गाजर सब रहता है। अच्छा, इसमें मिक्स अचार है, सारा कुछ मिक्स रहता है, आमेर सब रहता है। अच्छा, ये प्लेट लगने वाला है ना? तो ये यहाँ पे सब्जी का काउंटर है, यहाँ पे जो पसंद है वो सब्जी ले। हर पराठे के साथ सेम सब्जी मिलता है? हाँ, सेम सब्जी मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट पराठा जो बन रहा है किस चीज़ का बन रहा है भैया? हरी मिर्ची का जी। हरी मिर्च, पूरा हरी मिर्च का है? हाँ जी। और ये कौन सा मसाला? मसाला है हल्का पनीर पड़ा है। अच्छा, हल्का पुदीना मसाला कि उसका चटपटा थोड़ा कम कर देगा। अब ये लोई काट रहा हूँ, मतलब ये आटा पूरा इसके अंदर ये फिलिंग हो जाएगा? फिलिंग हो जाएगा, पूरा हरी मिर्च इसमें भर दिया गया है। ये सबसे गली में बेस्ट पराठा माना जाता है हरी मिर्ची का। वाह, जो भाई हरी मिर्च के शौकीन है वो आके जरूर खाए एक बार। हाँ, हरी मिर्च का पराठा। और यहाँ पे कंटिन्यू देखोगे ना आप तो हर वैरायटी का पराठा बनते रहता होगा। हाँ। अभी क्या बन रहा है? अब मिक्स एक आलू बनेगा। मिक्स आलू पनीर। अब देखो भाई यहाँ पे मिक्स आलू पनीर बन रहा है। ये नेक्स्ट पराठा जो है ये मिक्स आलू पनीर अब यहाँ पे बन रहा है और यहाँ बनता है वो देसी घी में, वहाँ पे छनते जाता है और लोग को यहाँ से सर्व किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मिक्स जो है वो आलू पनीर और ये सब का बन रहा है। सबसे ज़्यादा भी यहाँ पे कौन सा डिमांड रहता है पराठे का? सबसे ज़्यादा मिक्स वेज। अच्छा, मिक्स वेज। हरी मिर्ची का लोग बाग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि सोचते हैं तीखा है मगर होता नहीं है ना। अच्छा, तीखा दिखता है बट होता नहीं है। चलिए बढ़िया। हरी मिर्च मिक्स वेज का ज़्यादा पर्टिकुलर। भाई यहाँ पे हाथ रुकता नहीं, यहाँ पे हाथ कंटिन्यू चलते रहता है। और अगर आपको ये पराठा टेस्ट करना है तो पराठे वाली गली में आना। तो पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कौन सा पराठा खाया तुमने? चीज पनीर। कैसा लगा टेस्ट? बहुत टेस्टी था। घर पे नहीं मिलता पराठा कि यहाँ पे आया खाने? ऐसे ही चलो चलो हमारा आगे पनीर चीज़ पराठा। इसके बारे में देख सकते हैं एक बार, इसके अंदर का फीलिंग। इधर आजा, सामने आ जाए एक बार। ये देखो, ये जो पूरा अंदर एकदम चीज़ और पनीर भरा हुआ है। आलू छोले की सब्जी है और ये थोड़ा सा लेते हैं हम इसमें मीठी चटनी। ओह भाई ओवरलोड हो गया, ये गिर रहा है इस भाई। मज़ा आ गया, मतलब पराठा खाओ एक बार जरूर। पराठे वाले गली में आना और इसको टेस्ट करना। यहाँ की अचार है, अचार टेस्ट करना है लाजवाब। हर एक चीज़ हमने क्या, ये ना ये जो चटनी है ना भाई, ये चटनी में बात है। सही है। इलाहाबाद सब्जी की 3 वैरायटी की सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे, 1 2 3। ये तीनों सब्ज़ी टेस्ट करते हैं, बताते टेस्ट कैसा है इसका। गुड, मतलब आलू की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी है। ये पम्पकिन की सब्ज़ी है, पम्पकिन की सब्ज़ी भी सही है। मतलब आप जो चाहे वो पराठा ले सकते हो। टोटल 28 मतलब 28 पराठा यहाँ मिलता है और उस पराठे के साथ इतना कुछ आपको यहाँ पे थाली में दिया जाएगा। आयुष कैसा लग रहा टेस्ट? भाई क्या बताऊँ, जो चाहिए होता पराठे सब मिल रहा है मेरे को। मेरे को एक पराठा चाहिए ऐसा ही सेम टू सेम, और ये खाने के लिए मेरे को सबसे पसंद ऐसे पराठे आते हैं और इसने मतलब संतुष्ट कर दिया खाने के बाद। आई लव चीज़, अब चीज़ ही मिल रहा है मेरे को, भर भर गया। ये प्रॉपर ना एकदम चीज़ का पराठा, पूरा चीज़ इसमें भरा हुआ है। इतनी फीलिंग नहीं मिली, इतनी फीलिंग नहीं रही मैंने। और मज़े आ रहे हैं खाने में। आओ खाओ और मौज मनाओ। और सब्जी में कौन सा सही लग रहा तुमको? सब्जी तो ये अभी ये वाली टेस्ट करी है मैंने, अभी वो टेस्ट करता हूँ तुमको। तो चलो आयुष भाई आप टेस्ट करो। ये भी ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है ना? तीनों में अलग अलग बढ़िया बढ़िया टेस्ट आ रहे हैं। क्या रिकमेंड करोगे लोगों को आने के लिए, सब्सक्राइबर को? भाई आओ आओ आओ, ज़िंदगी की मज़े इसमें ही है और किसी में नहीं है। आओ और मौज करो। तो चलो भाई इसे मौज करने दो, हम लोग मौज करते हैं। तब तक आओ, आप आके एक बार ज़रूर टेस्ट करना। मिलते इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। आप आओ और अच्छे से आना यहाँ पे एकदम प्रॉपर। ये दुकान का लोकेशन सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आना एक बार टेस्ट करना और ट्राई करके बताना कैसा टेस्ट है इसका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।